देखिए, हम लोगों ने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया है, और आपने इन सारे डिस्कशंस में ये रियलाइज जरूर किया होगा कि जिस तरह प्रोडक्ट के हवाले से डिसीजन सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन बड़ी अहमियत की हामिल है, इसी तरह प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड डिसीजंस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल हैसियत रखते हैं। और अगर आप प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पे ठीक डिसीजंस नहीं करते हैं तो यकीन जानिए ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम कामयाब ना हो। जब आप अपने चैनल मैनेजमेंट के हवाले से डिसीजंस कर रहे हों तो आपको इन चार बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। वो कौन सी चार बातें हैं? सबसे पहले सिलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, कि आप जो चैनल मेंबर्स को सिलेक्ट करें बहुत केयरफुली करें। अच्छा, इसमें अब जाहरी बात है कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर बहुत अहम रोल प्ले करती है कि आप कौन सी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, इंटेंसिव लेंगे, एक्सक्लूसिव लेंगे या सिलेक्टिव लेंगे। जो भी एप्लीकेबल हो उसमें आप जिन भी चैनल मेंबर्स को मुंतखब करें उनको बहुत केयरफुली मुंतखब करें, क्योंकि वो आपके ट्रस्टवर्दी पार्टनर होने चाहिए, वरना वो आपके लिए ब्रेकर भी बन सकते हैं, हालांकि आप उनको मेकर बनाना चाहते हैं। फिर वो जो चैनल आप मेंबर सेलेक्ट करते हैं, ये याद रखिए कि वो खुद ब खुद ऑपरेट नहीं करेंगे, दुनिया की बाकी तमाम चीजों की तरह से जिनकी आपको जरूरत होती है या जिनसे आपको वास्ता पड़ता है, चैनल मेंबर्स भी आपको मैनेज करने पड़ते हैं, और उनको मैनेज करने के लिए आप उनको मोटिवेट करते हैं। मैंने मैं चैनल मेंबर्स को मोटिवेशन करने के हवाले से आपको मिसाल देता हूं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हर साल अपने चैनल मेंबर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं, फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, फ्री नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज ऑफर करते हैं, ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, कैश इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं। क्यों? ताकि चैनल मेंबर्स मोटिवेटेड रहें और लॉयल रहें। सिर्फ यही जरूरी नहीं है, बल्कि चैनल मेंबर्स और जो टाइप्स ऑफ चैनल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कॉन्टिन्यूसली एवेल्युएट करते रहना भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप उन्हें कॉन्टिन्यूसली एवेल्युएट नहीं करते रहेंगे तो याद रखिए आप कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि आपकी प्लेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लेसमेंट के बारे में बुनियादी चीजें जरूर क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।